हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम। वेलकम टू एजुकेशनल हैक्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई चल रही होगी, मस्त मजे में पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेना है। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की सोशल स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हो, कि हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, इस चैप्टर का आज आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा केवल आज की बात नहीं है, आज के बाद कंटिन्यूअसली आपको सभी एसएसटी के चैप्टर्स की हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स इस एजुकेशनल हाइक चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। Let me tell you कि we have already started class 10th English. Class 10th के English का जो latest sample paper है 2021 का, उसको हमने analyze भी कर लिया है। Analysis की video आप ऊपर देख सकते हो I button पर। और इसके बाद जो हमारा class 10th का sample paper है ना English का, उसको कैसे solve करोगे with trick, solve करके आपके सामने मैंने दिखाया है। उस video को भी आप ऊपर information button पर click करके directly देख सकते हो। Now come to SST, social studies. सोशल स्टडीज यार एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो कि है तो बड़ा इजी, लेकिन क्या है ना कि बहुत ज्यादा लेंदी आंसर्स की वजह से बच्चे इससे दूर भागते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में तीन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हो, आपको कौन से टिप्स को अप्लाई करना चाहिए ताकि आप सोशल स्टडीज में एक अच्छे नंबर से पास हो सको। इसके अलावा हम डेवलपमेंट चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स के आपको फीचर बताऊंगा ना, तो खुश हो जाओगे कि इतने इजी, इतने प्रिसाइज हैंड रिटन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा 2021 में जो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से कुछ हमने यहां पर रखे हैं। टोटली मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, बट दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय सीबीएसई। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू, स्टे कनेक्टेड विद एजुकेशनल हाइक्स फॉर स्टडी मटेरियल्स ऑफ क्लास 10th 2021। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन सोशल स्टडीज। देखो, हर सब्जेक्ट का एक अच्छे नंबर लाने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक स्ट्रेटेजी होता है। बिना तरीके का ना हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। चलो, अभी जैसे मैं लाइट निकाल रहा था अपने इस अम्ब्रेला लाइट की ना, तो मैं ऊपर का रॉड निकाले बिना ही ऐसे ही अम्ब्रेला निकाल लिया, तो वो गिर गया। तो अगर मैंने इसको तरीके से किया होता तो ये अच्छे से हो जाता। इसी तरीके से आपको पेपर भी करना है, एक सिस्टमेटिक वे, एक तरीके से चलो आप सब कुछ कर ले जाओगे। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, यार देखो क्या होता है ना कि सोशल स्टडीज में हिस्ट्री क्या है, आपको इवेंट्स याद रखने हैं हिस्ट्री में। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं उनको याद रखने हैं। इसके अलावा सिविक्स में जो पॉलिटिकल प्रोसेस के क्वेश्चंस आते हैं वो, ज्योग्राफी में नेचुरल प्रोसेस के क्वेश्चंस वो। अब इन तीनों सब्जेक्ट से जो लेंदी आंसर्स हैं, इन लेंदी आंसर्स को आप कैसे इजी कर सकते हो? सबसे पहला काम ये करो कि जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, इसमें एक वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जान जाओ ना, तो आप इस चैप्टर से आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन को कर लोगे। यस, बिलीव मी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से, ठीक है? तो मेरा यार सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी लेंदी आंसर्स हैं उन लेंदी आंसर्स में देखो कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसकी पूरी पूरी जो डिफिनेशन है याद कर डालो। चैप्टर नंबर 1 में ही है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी टर्मिनोलॉजी है, ऐसे इसको भी याद कर डालो। हर चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि आप उस टर्मिनोलॉजी से ना बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज आपको, यार देखो, लेंदी आंसर्स को ना पॉइंट्स में लिखने की जरूरत है। अब पॉइंट्स में क्यों लिखोगे? पॉइंट्स में आप इसलिए लिखोगे लेंदी आंसर्स को, क्योंकि देखो क्या, जब आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, तो सबसे पहले तो पैराग्राफ को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब उसके अलावा जब पॉइंट्स में लिखते हो ना, तो तुम्हें लिखने में इजी, तुम्हें दोबारा अपने पेपर को जब तुम गो थ्रू होते हो लास्ट में, तो वहां पर भी आपको देखने में इजी कि हाँ मैंने सही किया है गलत। इसके अलावा जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है ना कि टू द पॉइंट एग्जैक्ट बच्चे ने विदाउट एनी जैम लिखा है, भाई समझ लो आधा तो उसकी जो मूड है ना वही फ्रेश हो जाता है, पॉजिटिव वे से वो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है? नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड।
by filling answer sheets. अब हम लोग भी यही किया करते थे, तो हम लोग क्या किया करते थे ना, SST जब क्लास 10th में थे, वैसे SST अच्छी थी मेरी, बट जब भी होता था ना, तो हम क्या करते थे कि सोचते थे यार कि अभी उन्होंने दिया कि 60-70 वर्ड्स में मुझे आंसर लिखने हैं, तो मैं सोचता था कि मैं जितना ज्यादा फिल कर दूं आंसर शीट को उतना ज्यादा मुझे नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा केवल स्कूल के लिए अप्लाई होता है, यू कांट डू दिट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आप रिलेवेंट आंसर लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, आपको उतनी ही नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बार एग्जाम में करके देखना, कॉपी फिल करने के पीछे ना भागो, फिर से कह रहा हूं, टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर लिखो, एग्जामिनर आपको नंबर दे के जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको देखो क्या करना है, आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, इधर इट इज फ्रॉम सिविक्स, इधर इट इज फ्रॉम ज्योग्राफी, इधर इट इज फ्रॉम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से है, सोशल स्टडीज के, ठीक है, तो आप कोशिश ये करो यार कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा कि आपके आंसर्स ना टीचर को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने कुछ पैराग्राफ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी किए ना, तो वो अवॉइड हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉइंट्स को हाईलाइट करने का। गॉट इट? तो ये बात हो गई कि हम कैसे 95% SST में ला सकते हैं। केवल ये टिप्स हैं, मेहनत अब भी आपको करनी है। ये टिप्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। गॉट इट? अब हम बात करते हैं यार कि हैंड रिटन नोट्स, इस PDF नोट्स के बारे में बात करते हैं। चलो, इस वीडियो का जो दूसरा पॉइंट है, हैंड रिटन नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, दिस इज हैंड रिटन नोट्स, एंड थैंक टू विपिन सर जिन्होंने ये हैंड रिटन नोट बनाने में हेल्प की है। मतलब यार क्या ही ये इन्होंने बनाया है। देखो, पूरे चैप्टर, पूरे NCERT के चैप्टर जहां पर लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं बुक में, उस पैराग्राफ को इन्होंने टू द पॉइंट प्रिसाइज हैंड रिटन नोट्स में लिख दिया है। ये हैंड रिटन नोट आपको मिलेगा कहाँ? उसके पहले ये जान लो कि इस हैंड रिटन नोट के फीचर क्या है। जैसे देखो, आपको NCERT के सभी पॉइंट, जैसे NCERT स्टार्ट होती है हमेशा इंट्रोडक्शन से, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इस चैप्टर में हम पर कैपिटा इनकम, IMR, NAR, BMI इंडेक्स, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जब हमारा NCERT का जो सबसे पहला वाला टॉपिक स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, तो हमने यहां भी डेवलपमेंट टॉपिक को लिख दिया है, और इससे हमने टू द पॉइंट नोट्स लिख दिए हैं। जैसे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हमने यहां पर हाईलाइट भी किया है कि जब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हम डेवलप हो गए हैं। ठीक है, आगे भी देखो बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इसके अलावा BMI इंडेक्स क्या है, IMR इंडेक्स क्या है, इनकम के अलावा इंसान के और अदर कौन से गोल्स होते हैं, मतलब सभी टॉपिक्स को इस हैंड रिटन नोट्स में हमने कवर किया है। सो गो थ्रू द होल नोट्स, आपको डेफिनेटली इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब ये आप PDF नोट पाओगे कहाँ? सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लिंक दे रखी है जहां से आप इन PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। गॉट इट? अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2021 में, उसके भी फीचर्स जानते हैं और बताते हैं आपको कि वो भी आप कहां पर पा सकते हो। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ 2021 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। अब देखो, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको पढ़ना क्यों चाहिए? सबसे पहली बात तो हमने आंसर भी दी है, आपको आंसर ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज यार कि चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के हर टॉपिक से हमने टच करके क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। जैसे देखो, आपको पहला क्वेश्चंस मैंने अपनी नाम का एग्जांपल लिया है, प्रेम। प्रेम इज 21 इयर्स ओल्ड ऑफ एज, ये वो, इसमें आपको BMI इंडेक्स निकालना है और बताना है कि ये बंदा BMI इंडेक्स के अनुसार ज्यादा मोटा है या पतला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लो। ठीक है, इसके अलावा देखो, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस ओवर यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर, आप ग्राउंड वाटर के ओवर यूजेस को कैसे रोक सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सभी टॉपिक से मिला है। अब देखो, मैं आपको बात करता हूं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां देखो, हमने ट्रू फॉल्स भी रखे हैं, हमने ये जो पॉइंट वाले आंसर आते हैं ना कि आप तीन एग्जांपल्स दीजिए, इसके दीजिए, उसके दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हम हर साल देखते हैं, तो इसके भी क्वेश्चंस हमने रखे हैं। इसके अलावा जो लेंथी क्वेश्चन आंसर्स इससे आते हैं, जैसे व्हाट कैन बी एस्पिरेशन गोल्स ऑफ अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक बच्चा है जो सिटी में रहता है और वो थोड़ी सी रिच फैमिली से है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा कि वो बंदा हो सकता है एक अच्छी जॉब लेना चाहता हो, एक नई कंपनी सेटअप करना चाहता हो। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं,
एक लैंडलेस रूलर लेबर है उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, आईएमआर क्या है, मेन कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर का मतलब आपको पता है, तो आईएमआर क्या है और आईएमआर आपको इसके मेन कॉजेस क्या है, इन सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको हम कह सकते हैं पेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई, पूछते ही पूछते हैं हर साल, एक साल बाद आपको एक एक क्वेश्चन इसमें से मिलते जाएंगे। तो गो थ्रू द होल क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड द इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसएसटी, एंड मेक श्योर कि आप चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट डे जब मैं दूसरे चैप्टर की हैंड रिटेन नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं ना, तो एकदम स्टैंड मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।